हेलो वेलकम फ्रेंड्स। तो दोस्तों आई थिंक आप सभी ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा पार्ट थर्ड इंग्लिश ऑनर्स के स्टूडेंट्स होंगे और आप सभी का सेशन 2019 से 2022 होगा। दोस्तों पार्ट थर्ड के चारों पेपर के लिए हम लोगों ने गेस क्वेश्चन यूट्यूब पे करा दिया है। आज की इस वीडियो में हम एक बार फिर चारों पेपर को एक ही वीडियो में कवर करने का प्रयास करेंगे। आप लोग पहले सेपरेट जो हम वीडियो बनाए हैं चारों पेपर के लिए अलग अलग से, आप उसको जाकर के देखना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक दे देंगे और उसके बाद इस चारों पेपर का देखिएगा। कोशिश करिएगा दोस्तों कि उन्हीं क्वेश्चन को ज़्यादा फोकस करें जो हम गेस क्वेश्चन में शामिल किए हैं जिस प्रश्न को, और यहाँ पर हम कोशिश करेंगे बहुत कम समय में चारों पेपर का गेस क्वेश्चन आप लोगों के बीच शेयर कर दे। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग अलग अलग से हर वीडियो के लिए जो मैं गेस क्वेश्चन बनाया हूँ वीडियो के माध्यम से, उसको भी देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम पेपर फाइव को कवर करते हैं। दोस्तों पेपर फाइव में आपको ग्रुप ए सेक्शन के लिए रोमांटिक क्रिटिसिज्म एंड न्यू क्रिटिसिज्म को कवर करना है। सफिशियंट हो जाएगा, 15 मार्क्स का होगा। अब हम चलते हैं ग्रुप बी की ओर। ग्रुप बी में दोस्तों आपको ये सारा पढ़ना है, वैसे एग्ज़ाम के लिए जॉन ड्राइडन एंड आई ए रिचार्ड्स को कवर करना है और ये भी 15 मार्क्स का होगा, एक ही सवाल का जवाब देना होगा। चलते हैं ग्रुप सी की ओर। ग्रुप सी में दोस्तों 30 मार्क्स का सवाल आएगा जिसमें से 2 मार्क्स एक्सप्लानेशन के, 2 क्वेश्चन एक्सप्लानेशन के होंगे, 7.5 7.5 करके, और एक लॉन्ग क्वेश्चन होंगे जो 15 मार्क्स का होगा। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आप इन दोनों को कवर कर लेना, इन तीनों एसे को भी एक बार पढ़ लेना, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन इन एसे से ही निकला हुआ है। तो इसको आप पढ़ लोगे सही से और एक्सप्लानेशन भी आपको इन्हीं एसे से देखने को मिलेगा। हर चीज़ के लिए सेपरेट वीडियो बनाए हैं। ग्रुप सी के लिए जो हम वीडियो बनाए हैं एक्सप्लानेशन के लिए, आप उस एक्सप्लानेशन वाले वीडियो को देखिएगा, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। चलते हैं हम ग्रुप डी की ओर। ग्रुप डी में दोस्तों अनसीन पोएम पूछा जाएगा। अनसीन पोएम के लिए भी हमने YouTube पे वीडियो बना रखा है, स्पेशल वीडियो, उसको आप जाकर के देखिएगा। अनसीन पोएम वहाँ से कवर हो जाएगा। अब आते हैं ग्रुप ई में। ग्रुप ई में आपको टोटल इस प्रकार से सवाल दिए होंगे और उसमें से केवल और केवल 2 के ऊपर ही आपको नोट लिखना होगा और वो दोनों 10 10 मार्क्स करके होंगे। और 2 सवाल के लिए आप ज़्यादा बिल्कुल मत करना, केवल और केवल इन 4 को कवर कर लेना। इंटेंशनल फैलेसी, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, रशियन फॉर्मलिज्म, आर्किटाइपल क्रिटिसिज्म, इन 4 को कर लोगे आपका काम हो जाएगा। तो ये हो गया दोस्तों पेपर 5 के लिए, आप लोगों ने देखा। और बता दूँ पेपर 5 के जितने भी कंटेंट है वो मेरे पास सभी है। ऊपर आप जितने भी क्वेश्चन देखे हो उन सभी क्वेश्चन के आंसर का PDF मेरे पास है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ये पेपर 5 का क्लास नोट कंटेंट हो गया, ये क्वेश्चन बैंक हो गया, ये सिलेबस हो गया और ये वीडियो सेक्शन हो गया। तो हर चीज़ मैं आपको दे दूँगा। अगर आपको लेना हो तो स्क्रीन पे जो नंबर देख रहे हो 7048928746, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पे आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज या फिर कॉल करिएगा। तो दोस्तों ये हो गया पेपर 5 के लिए गेस क्वेश्चन। अब हम चलते हैं पेपर 6 की ओर। दोस्तों जिस प्रकार से पेपर 5 में आपने देखा कि ग्रुप वाइज क्वेश्चन पूछा जाता है, इसी प्रकार से यहाँ पर भी सेपरेटली क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर 6 में भी। पेपर 6 में दोस्तों पहला और दूसरा सवाल जो पूछा जाएगा वो एक्सप्लानेशन से होंगे और वो दोनों एक्सप्लानेशन 16 16 मार्क्स करके होंगे। एक्सप्लानेशन के लिए हम सेपरेट वीडियो बनाए हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप उस वीडियो को जा करके देखना, वहां से आपका ये डाउट क्लियर हो जाएगा। चलते हैं तीसरा प्रश्न में। तीसरा प्रश्न पूछा जाएगा दोस्तों पोएम सेक्शन से। पोएम सेक्शन के लिए आप इन सभी को कवर करना, क्योंकि आपको पोएम के साथ साथ एक्सप्लानेशन में भी पोएम से सवाल आएंगे तो उसको भी कवर करना होगा। वैसे पोएम सेक्शन के लिए केवल और केवल आप ऊपर का 3 4 कर लोगे तो वही सफिशियंट हो जाएगा। वैसे मैं कहूँगा एक बार पूरा को देख लीजिएगा, क्योंकि आपको एक्सप्लानेशन भी कवर करना है। और ये कितने मार्क्स का होगा? 17 मार्क्स का होगा। चौथा प्रश्न में चलते हैं। चौथा सवाल जो आएगा वो पोएट सेक्शन से आएगा। पोएट सेक्शन के लिए केवल और केवल आप 2 को कर लेना, जीएम हॉपकिंस और WB Yeats, ये कितने मार्क्स का होगा? 17 मार्क्स का होगा। अब चलते हैं हम पाँचवा प्रश्न की ओर। पाँचवा प्रश्न जो आएगा दोस्तों वो पिग्मेलियन से आएगा। पिग्मेलियन के लिए आप इन सभी को कर लेना, डिस्कस पिग्मेलियन एज अ प्रॉब्लम प्ले, डिस्कस पिग्मेलियन एज अ प्ले ऑफ आइडियाज, जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द प्ले पिग्मेलियन, डिस्कस द मेन थीम ऑफ द प्ले पिग्मेलियन, एंड कैरेक्टर के लिए आप हेनरी हिगिंस,
एंड इन फोर्ड हिल को कवर कर लेना। और ये कितने मार्क्स का होगा? 17 मार्क्स का सवाल होगा। पांचवा सवाल ये हो गया। अब छठा सवाल की ओर चलते हैं। लास्ट सवाल, छठा सवाल आएगा दोस्तों वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेड से। तो इसके लिए आप इन सभी को कर लेना, जैसे जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द नॉवेल वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेड, डिस्कस वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेड एज अ कॉमिक नॉवेल, डिस्कस द मेन थीम ऑफ द नॉवेल वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेड, और कैरेक्टर के लिए आप फिलिप हैरिटन का कर लीजिएगा। ये सवाल भी कितने मार्क्स का होगा? 15 मार्क्स का होगा। एक चीज़ याद रखिएगा, एक एक सवाल का ही जवाब आपको हर सेक्शन से देना होगा, और मार्क्स तो मैं आपको बताता ही जा रहा हूँ। तो दोस्तों ये हो गया पेपर 6 का गेस क्वेश्चन। यहाँ पे फिर मैं बता दूँ कि पेपर 5 के जितने भी ऊपर गेस क्वेश्चन देखे हों, पेपर 6 के और पेपर 5 के, उन सभी के आंसर का क्लास नोट्स हमारे पास अवेलेबल है। जैसे आप देख सकते हो, ये पेपर 6 का गेस क्वेश्चन का PDF है, ये क्वेश्चन बैंक का PDF है, ये सिलेबस का PDF है, और ये पोएम टेक्स्ट का PDF है। इसी प्रकार से वीडियो भी होगा 25-30 पेपर 6 के रिगार्डिंग। तो अगर आपको चाहिए ये कंटेंट 2022 एग्जाम के लिए मेजर है, तो आप ले सकते हो। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 7048928746। इस पे आप मुझे व्हाट्सअप या फिर कॉल करना, मैं आपको ये शेयर कर दूंगा। तो दोस्तों पेपर 6 का भी हो गया, अब हम चलते हैं पेपर 7 की ओर। दोस्तों पेपर 7 पेपर 6 ये समझिए दोनों एक प्रकार से है, क्योंकि यहाँ पे आपको कहानी वाला पोर्शन ज़्यादा कवर करना होता है। दोस्तों पेपर 7 में क्या होगा? तो पहला सवाल जो आएगा वो एक्सप्लेनेशन से आएगा, और ये 32 मार्क्स कवर करेगा। इस एक्सप्लेनेशन सेक्शन के लिए भी हमने सेपरेट वीडियो बनाए हैं, तो उस वीडियो को आप जा करके देखना, ये सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न के लिए हम बतलाते हैं, दूसरा प्रश्न में क्या होगा दोस्तों? तो आपके पास टोटल 10 ऑप्शन दिए हुए होंगे, 5 पोएम से और 5 पोएट से दिए हुए होंगे। अगर पोएट से अगर दोनों में से कोई एक का आंसर देना होगा, या तो 5 पोएम में से किसी एक पोएम के ऊपर आंसर लिखिए, या फिर और करके दिया हुआ है 5 पोएट में से किसी एक पोएट के ऊपर नाम लिखिए। तो पोएट के लिए केवल 2 कर लीजिएगा तो हो जाएगा। कौन कौन? तोरू दत्त, आर एन टाइगर, वैसे इन दोनों को भी कवर कर लीजिएगा, कमला दास, इन तीन को अगर कर लीजिएगा 100% मिल जाएगा पोएट सेक्शन से। अगर आपको केवल पोएम करना है तो पोएम के लिए आप इन सभी को कर लेना, क्योंकि आपको फिर एक्सप्लेनेशन का भी जवाब देना है। वैसे इन दोनों को कर लीजिएगा और इस बी को कर लीजिएगा, आपका सवाल बन जाएगा। चलते हैं अब हम तीसरा प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न जो आएगा दोस्तों वो द गाइड नॉवेल से आएगा। द गाइड नॉवेल के लिए आप इन सभी को कर लेना। कौन कौन? डिस्कस द नैरेटिव टेक्निक ऑफ द नॉवेल द गाइड, और कैरेक्टर के लिए आप रोजी का कैरेक्टर को कवर कर लेना, मार्को एंड वेलन के कैरेक्टर को भी थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा। इसलिए ये भी कितना कवर करेगा? 17 मार्क्स ये भी करेगा, और 17 मार्क्स आपका दूसरा सवाल भी कवर करेगा। अब चलते हैं हम चौथा प्रश्न में। चौथा प्रश्न जो आएगा दोस्तों ये आपका एस्से सेक्शन से आएगा। एस्से के लिए आप इन 3-4 को कर लेना, साइंस ह्यूमैनिटीज एंड रिलीजन, द सेक्रेट ऑफ वर्क, एजुकेशन फॉर न्यू इंडिया एंड व्हाट इज कल्चर, और ये भी कितने मार्क्स का होगा? 17 मार्क्स का होगा। पांचवा सवाल आएगा दोस्तों आपका शॉर्ट स्टोरी सेक्शन से। शॉर्ट स्टोरी के लिए आप कर लेना कंपेनियंस, स्पैरोस एंड कर्मा, ये भी कितने मार्क्स कवर करेगा? 17 मार्क्स। तो दोस्तों ये हो गया आपका पेपर 7 का गेस क्वेश्चन। और दोस्तों बतला दूं, ऊपर आप जितने क्वेश्चन देखे हो पेपर 7 का, उन सभी के आंसर का PDF भी हमारे पास है, तो वो भी आप ले सकते हो। जैसे आप दे सकते हो, ये हो गया पेपर 7 का क्वेश्चन बैंक, ये हो गया आपका पेपर 7 का क्वेश्चन बैंक, ऊपर वाला हो गया सिलेबस, और नीचे वाला ये हो गया आपका 65 पेज का क्लास नोट्स कंटेंट, जिसमें ऊपर वाले सभी प्रश्न के आंसर दिए हुए हैं। और इसके अलावा वीडियोज भी आपको मिल जाएगा, और पेपर 7 का जो पोएम है वो पोएम का लाइंस भी मिल जाएगा आपको टेक्स्ट फॉर्मेट में। तो ये हो गया पेपर 7 का गेस क्वेश्चन। अब हम चलते हैं पेपर 8 के गेस क्वेश्चन के ऊपर। दोस्तों पेपर 8 थोड़ा हटके है, क्योंकि ये लिंग्विस्टिक का पेपर है, तो इसीलिए आपको यहाँ पे थोड़ा मेहनत भी करना होगा। वैसे बता दूँ, अगर इसमें ज़्यादा मेहनत करते हो ना, तो अन पेपर की तुलना में यहाँ पे आप मार्क्स ज़्यादा उठाओगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे सेक्शन है जहाँ पे अगर थोड़ा मेहनत कर दोगे तो डायरेक्टली 20 का 20 भी आ सकता है। जैसे फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन हो गया, अगर सही से आप आंसर देते हो तो 2 से 3 मिनट में आप 20 में से 20 ला सकते हो, क्योंकि उसमें तो ज़्यादा कुछ है नहीं, आपको फॉन्ट सीखना होगा। जैसे ही सीख जाओगे कम समय में आंसर दे दोगे। दोस्तों पेपर 5, 6 और 7 इन तीनों जगह कुछ ना कुछ एक्सप्लेनेशन जरूर है, लेकिन पेपर 8 में एक भी एक्सप्लेनेशन नहीं आएगा।
केवल और केवल लिंग्विस्टिक सवाल यहाँ पे आएगा। तो सेक्शन ए के लिए आप कौन कौन सवाल करोगे, सेक्शन ए के लिए आप कवर कर लेना डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन लैंग्वेज एंड एनिमल कम्युनिकेशन, वर्नर्स लॉ एंड लैंग्वेज एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक, इन तीनों को कर लेना। कोई एक सवाल आएगा 15 मार्क्स का वो होगा। दूसरा सवाल जो आएगा दोस्तों, इसके लिए आप इन सभी को कर लेना, क्या क्या फोनेटिक्स एंड इट्स ब्रांचेज, वाउल्स एंड सिलेबल, सुपर सेगमेंटल फीचर, व्हाट इज कंसोनेंट, क्लासीफाई देम ऑन बेसिस ऑफ मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन, ये दूसरा सवाल के लिए होगा। यहाँ से भी एक सवाल आएगा और कितने मार्क्स का होगा, 15 मार्क्स का होगा। तीसरा सवाल की ओर चलते हैं, तीसरा सवाल के लिए आप इन सभी को कवर कर लेना। यहाँ से एक सवाल आएंगे वो 15 मार्क्स का होगा। कौन कौन सवाल होंगे, वर्ड फॉर्मेशन, बेसिक पैटर्न्स ऑफ इंग्लिश सेंटेंसेज, फ्रेज स्ट्रक्चर, रूल्स एंड सरफेस स्ट्रक्चर एंड डीप स्ट्रक्चर, इनमें से कोई एक आएगा 15 मार्क्स का होगा। चौथा सवाल के लिए आप इन सभी को कवर कर लेना, कौन कौन, होमोनिमी, पॉलिसमी, एनोनिम एंड होमोग्राफी, इसके अलावा स्ट्रक्चर एम्बिग्यूटी, व्हाट इज सीमेंटिक्स, डिस्कस कंसेप्ट ऑफ सीमेंटिक्स एंड पैराग्मैटिक्स, ये चौथा सेक्शन के लिए हो गया। कोई एक आएगा 15 मार्क्स का वो होगा। पांचवा सेक्शन के लिए आप क्या करोगे, तो जितना दिख रहे हो इनमें से केवल और केवल आप GIE, एक्सेंट, इंटोनेशन, क्रैनबरी मोफिम्स, सिंटैग्मैटिक एंड प्रैग्मैटिक रिलेशन, पैराग्मैटिक रिलेशन, इनको कवर कर लेना। आपको चार सवाल का ही जवाब देना होगा, वैसे आपके एग्जाम में ये वाला आठ लिस्ट रहेंगे, उस आठ में से केवल चार का आपको जवाब देना होगा और वो चारों पांच पांच मार्क्स करके होंगे, यानी 20 मार्क्स का हो गया सेक्शन 5। लास्ट जो सेक्शन है दोस्तों वो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन से आता है। इसके लिए हम एक अलग से आपको PDF देंगे, फॉर एग्जांपल मैं आपको कुछ देर के बाद दिखलाऊंगा अभी फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन का PDF, तो उस वो PDF दूंगा और साथ में एक मैं आपको आधे घंटे का वीडियो दूंगा। इन दो को अगर आप सही से कर लोगे तो ये ऐसा सेक्शन है मात्र 2 मिनट में 20 में से 20 ला सकते हो, 19 लाने का कोई संभावना नहीं उठता है, क्योंकि ये एक प्रकार से जैसे कोई आपको दे दिया हिंदी वर्ड्स दे दिया और उसको बोला कि इंग्लिश वर्ड में लिखो, या फिर जैसे एग्जामिनेशन दे दिया तो उसको बोलेगा हिंदी क्या होगा, तो परीक्षा होगा, जैसे कि कॉलेज हो गया तो इसका क्या हो जाएगा, विद्यालय, इस प्रकार से, तो यूनिवर्सिटी हो गया तो महाविद्यालय, तो इस प्रकार से वर्ड्स आपको देगा, छोटा छोटा वर्ड्स, और उसको कहेगा आपको फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में उसको लिखिए। टोटल आपके पास 15 वर्ड्स होंगे और उस 15 वर्ड्स में से केवल 10 वर्ड्स को लिखना होगा और वो 10 वर्ड्स दो दो मार्क्स करके होंगे, यानी 20 मार्क्स ये कवर करेगा। तो इसके लिए मैं जो आपको बताऊंगा वो करिएगा। यहाँ पे भी बतला दो दोस्तों, ऊपर जितने भी क्वेश्चन देखे हो पेपर 8 के रिगार्डिंग, उन सभी प्रश्न के आंसर का PDF हमारे पास है, अगर आप लेना चाहती हो तो ले सकते हो। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 7048928746, इस पे आप मुझे व्हाट्सअप या फिर कॉल करना, मैं आपको दे दूंगा। चलिए एक बार फिर मैं आपको बतला देता हूँ कि पेपर 5 से लेकर के पेपर 8 तक का गेस क्वेश्चन तो हमने आपको करा दिया, आप इन्हीं क्वेश्चन को पढ़ना। और बतला दूँ जितने भी पेपर 5 से लेकर के पेपर 8 तक जितने भी क्वेश्चन हमने गेस क्वेश्चन आप लोगों के बीच शेयर किया हूँ, उन सभी प्रश्न के आंसर का PDF हमारे पास है, हर एक चीज़ का। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। थोड़ा गौर से यहाँ पे देखिएगा, ये हो गया मेरा पेपर 5 का गेस क्वेश्चन जिसमें हम 65 पेज को ऐड किए हैं, ये हो गया पेपर 6 का गेस पेपर जिसमें हम 75 पेज को मिलाकर के इस PDF को बनाए हैं, ये हो गया पेपर 7 का गेस क्वेश्चन का PDF और ये हो गया पेपर 8 के गेस क्वेश्चन का PDF। तो ये तो हो गया दोस्तों चारों पेपर के गेस क्वेश्चन का PDF जिसमें कि हम उन्हीं क्वेश्चन को शामिल किए हैं जो हम गेस कराया है, उन सभी गेस क्वेश्चन के आंसर का ये PDF एक प्रकार से समझिए। और 2022 के एग्जाम में यही आपके लिए रामबाण होगा, हर सवाल इस PDF से आपको मिल जाएगा। तो ये तो हो गया चारों पेपर के लिए PDF, मेनली आपको इसी को पढ़ना है। इसके अलावा ये हो गया चारों पेपर के लिए क्वेश्चन बैंक, ये पेपर 5 का, ये पेपर 6 का, ये पेपर 7 का और पेपर 8 का, और 2017 से लेकर के 2021 तक का क्वेश्चन हम इसमें ऐड किए हैं। क्वेश्चन बैंक हम इसलिए आपको देंगे कि समय तो कम है लेकिन फिर भी आप जल्दी जल्दी में देख लोगे कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, किस प्रकार से पूछा जाता है, कौन सवाल कितने मार्क्स का है, कौन ऐसा सवाल है जो रिपीट कर रहा है, तो थोड़ा बहुत आपको जानकारी मिलेगा, इसलिए मैं आपको दे रहा हूँ, पैटर्न सब के बारे में पता चलेगा। तो ये हो गया चारों पेपर का क्वेश्चन बैंक। इसके अलावा यहाँ पे देख लीजिए आप, और इसके अलावा चारों पेपर का सिलेबस अलग से मैं आपको दूंगा, एक सिलेबस दूंगा जिसमें आप पाओगे कि कहाँ से क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो चारों पेपर का सिलेबस दूंगा। इसके अलावा बता दूं पेपर 6 में पोयम पढ़ना होता है आपको, तो उस पोयम के लिए जितने भी पोयम आपके सिलेबस में दिए हुए हैं उन सभी पोयम को हम इस PDF में ऐड किए हैं,
15-16 पोएम है, उन सभी पोएम को इस पीडीएफ में ऐड किए हैं। ओरिजिनल लाइन है यह, आपको पोएम सेक्शन से जो एक्सप्लेनेशन के सवाल लेंगे वहाँ पर डायरेक्टली यहाँ से आपको मदद मिलेगा। और ये हो गया आपको पेपर 7 में जो पोएम है 15-16 पोएम, उस पोएम का ओरिजिनल टेक्स्ट ये हो गया। इसके अलावा भी मैं आपको बता रहा था कि फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन पेपर 8 के 6th सवाल पूछा जाता है, पेपर 8 में लास्ट क्वेश्चन। तो ये फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन का पीडीएफ हो गया। इस पीडीएफ को और एक मैं आपको वीडियो शेयर करूंगा आधे घंटे का, 35-40 मिनट का अराउंड है, 35-40 मिनट का, उसको अगर आप देख लोगे तो 20 में से 20 मार्क्स आप इजीली ला लोगे। तो ये तो हो गया दोस्तों फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। इसके अलावा आपको मैं पेपर 5, 6, 7, 8 इस प्रकार से जितने भी आपके पेपर हैं उन सभी पेपर में कम से कम 15-20 वीडियो मैं आपको दूंगा। इसमें क्या होगा तो पीडीएफ पढ़ लीजिए और उसके बाद पीडीएफ के बाद क्या करिए, वीडियो पहले पढ़ लीजिए, वीडियो के माध्यम से क्लास को देख लीजिए और इसके बाद आप पीडीएफ को पढ़िए, किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहेगा। जैसे आप हमारा पीडीएफ लिए तो आप पीडीएफ को कैसे पढ़ेंगे, तो इसके लिए हम वीडियो दिए हैं कि पेपर 5 के वीडियो को कैसे पढ़े। यहाँ पर हम गेस क्वेश्चन को शेयर किए हैं कि गेस क्वेश्चन कौन है पेपर 5 के लिए, यहाँ पर पेपर 5 के सिलेबस को शेयर किए हैं और उसके बाद फिर हम जैसे देख रहे हैं ना न्यू मॉडर्न क्रिटिसिज्म, इस प्रकार से फिर क्लास बाय क्लास हम चीज़ों को डिस्कस किए हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए पेपर 6 में देखिएगा तो पहले में हम सिलेबस डिस्कस किए हैं, दूसरे क्लास में हम स्ट्रेटजी शेयर किए हैं, तीसरे क्लास में पेपर 6 के एक्सप्लेनेशन के लिए स्ट्रेटजी शेयर किए हैं। इस प्रकार से कहने का अर्थ ये पूरा समझिए, कम समय में अगर इसको आप पढ़ लीजिएगा बहुत अच्छा मार्क्स आएगा आपको, अराउंड 15 के आसपास पीडीएफ हो जाएंगे, टोटल 60-65 वीडियोज हो जाएंगे। छोटा छोटा वीडियो होगा आपके पास, 10 मिनट का, 5 मिनट का, 7 मिनट का, एक दिन में आप 10 वीडियो भी देख सकते हो, बहुत छोटा छोटा वीडियो होगा, उस वीडियोस को देख लीजिए और उसके बाद पीडीएफ को पढ़ लीजिए। कम समय है, मेहनत थोड़ा करिए, राइटिंग पे काम करिए, उसके बाद ज़्यादा बिल्कुल मत करना, क्योंकि अगर चाहो तो अभी भी आप बेहतर कर सकते हो। जैसे कि सिलेबस में अगर 20 चीज़ दिया हुआ है, 20 क्वेश्चन दिया हुआ है, तो 20 क्वेश्चन में से हम आपको ज़्यादा कहाँ कह रहे हैं, 20 में से हम आपको मात्र 5 कह रहे हैं पढ़ने के लिए, तो 5 को तो आप 2 दिन में भी कवर कर सकते हो। तो उसको पढ़िए, राइटिंग पर जितना अधिक से अधिक मेहनत हो सकता है करिए, मैं आपको अच्छा मार्क्स दिलाने में बहुत मदद जितना हो पाएगा मदद करूंगा। एग्ज़ाम तक हम YouTube पे काम करते रहेंगे, तो इसलिए आप YouTube पे भी एक्टिव रहिएगा। और ये जितने भी आप कंटेंट देखे हो चारों पेपर के रिगार्डिंग, अगर आप लेना चाहते हो तो ये हमारा WhatsApp नंबर है, इस पे आप मुझे WhatsApp या फिर कॉल करना। एक छोटा सा पेमेंट आपको करना होगा, मात्र 99 रुपया का आप पेमेंट करोगे, मात्र इस 99 में ही मैं आपको जितने भी PDF देखे हो 15+ PDF और जितने वीडियो देखे हो वो वीडियो प्लस कोई भी डाउट आता है एग्ज़ाम तक तो आप मुझे डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हो। तो ये सारा फैसिलिटीज़ मैं आपको ओनली 99 रुपीज़ में दे दूंगा। तो दोस्तों अगर लेना हो तो इस नंबर से मुझे व्हाट्सअप या फिर कॉल करिएगा। साथ ही साथ जितने क्वेश्चन बताया हूँ आप लोग कोशिश करिएगा उसी क्वेश्चन को बार बार ढंग से पढ़े। थैंक यू सो मच दोस्तों।